नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपका हमारे YouTube के चैनल दिनेश अर्थ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें जो ईयर जो दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है, ईयर पेन हो जाते हैं, तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे जो है आप उसका इलाज करेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। और अगर आप हेल्थ में इंटरेस्टेड हैं और अगर आप अपनी सेहत से प्यार करते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों मैं बढ़ता हूँ आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले बता दोस्तों कि आपको क्या पता चलेगा कि आपके बच्चे में जो है कान का जो है दर्द हो रहा है, या फिर जो है बच्चे को जो है क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप, सबसे पहले ये बता देता हूँ दोस्तों। जब बच्चा आपके बहुत ज़्यादा रोने लग जाए, या फिर बच्चा जो है बार बार कान को जो है ऐसे पकड़ रहा हो, या फिर जो है अंदर खुजली वगैरह चल रही हो, ज़्यादातर बच्चों में यही सिम्टम देखने को मिलता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो खुद बोल के बता नहीं सकते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जैसे वो कान के पास अगर हाथ लगा रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो उसमें आप जो है उसको थोड़ा सा चेक कर सकते हैं कान को कि कान के अंदर कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। बाकी ज़्यादातर देखा गया है कि जिन बच्चों को मतलब एक साल के जो बच्चे हो जाते हैं उनको अगर कान की प्रॉब्लम होती है तो कान के पास हाथ लगा देते हैं, लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं तो उनमें जो है फिर पता नहीं चलता है, फिर आपको जो थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों बच्चे को जो है सोने में परेशानी होगी, बच्चा जो सो नहीं पाता है, उसको जो है बहुत तेज़ दर्द होता रहता है, तो वो बहुत रोने लगता है, कुछ खाता नहीं है, कुछ अगर आप खिलाते हैं तो वो नहीं खाता है, माँ का दूध भी नहीं पीता है, तो ये कुछ सिम्टम है दोस्तों। इससे जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है। अभी इसके कुछ कारणों की मैं बात करूँ कि ये क्यों होता है, तो छोटे बच्चों में दोस्तों अक्सर देखा गया है कि एक तो जो है बच्चे के कान के अंदर जब बच्चा सो रहा होता है तो उसमें कीड़ा वगैरह चला जाता है, तो वो कीड़ा फिर जो है अंदर जाके प्रॉब्लम करता है। दूसरा दोस्तों इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, बच्चे जो है हर किसी चीज़ को उठा लेते हैं, हर किसी चीज़ को जो है मुंह में डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी कभी देखा गया कि बच्चों के अंदर कानों के अंदर जो वैक्स होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों बच्चों को सर्दी जुकाम होता है, उससे भी जो है आपके कान का प्रॉब्लम जो है हो सकता है। कभी कभी देखा गया कि बच्चों के कान के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ जो है हवा चली जाती है, तो हवा का जो प्रेशर होता है उससे भी जो है आपके ये प्रॉब्लम हो सकती है। और देखा गया बच्चों को जो है दोस्तों कि कुछ भी खाते हैं तो उनको एलर्जी वगैरह हो जाती है, तो एलर्जी की प्रॉब्लम अगर बच्चे को है तो उससे भी जो है आपको कान की प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों ये बातें हो गई कि कान की प्रॉब्लम जो है आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसके कारण क्या है। दोस्तों अभी बात करते हैं कि छोटे बच्चों में अगर कान की प्रॉब्लम हो जाए या कान दर्द करने लगे तो उसको आप जो है निदान कैसे करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये ज़्यादातर कान का जो प्रॉब्लम होता है वो नाइट के समय ज़्यादा होता है। और मैं जो नुस्खे बता रहा हूँ आपको वो आप बड़ों में भी अप्लाई करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है छोटे बच्चों में ही जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ों में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप इस नुस्खे को जो है बड़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी बात करते हैं इसके कुछ घरेलू नुस्खों की। तो घरेलू नुस्खों में दोस्तों सबसे पहला नुस्खा है कि लहसुन जो होता है आपके घर के अंदर, लहसुन सबके घर के अंदर मिल जाता है, तो वो सबसे अच्छा जो है आपके एंटी बैक्टीरिया जो है गुण उसमें पाया जाता है। तो अगर आपके कान के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से जो है कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो आप जो है एक तेल बना सकते हैं, उस तेल को जो है फिर कान के अंदर डाल सकते हैं आप। आपको करना ये है कि आपको लहसुन का जो होता है उसको क्रश करना है, उसको कूट लीजिए, उसको एकदम बारीक कर लीजिए। उसके बाद उस लहसुन को सरसों का तेल होना चाहिए, सरसों के तेल के अंदर उस लहसुन को डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप इसको थोड़ा सा गर्म कीजिए। गर्म करने से क्या होगा दोस्तों, इसके जो लहसुन के जो इंग्रीडियंट हो गए, जो भी इसके लहसुन के गुण होंगे, वो तेल के अंदर आ जाते हैं। तो फिर ये जो तेल है आप इसको छान के जो है एक डिब्बे में भर के रख सकते हैं, और इस तेल को जो है आपके बच्चे के कान के अंदर 2-3 बूंद डाल सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर कोई कीड़ा भी होगा तो वो भी जो है उस तेल की वजह से बाहर आ जाएगा, कोई इन्फेक्शन होगा तो वो भी जो है ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक और बात, को नीम का तेल जो होता है वो भी आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम का तेल भी जो है बहुत ही जो है अच्छा काम करता है। आप जो है लौंग का तेल होता है, लौंग का तेल भी जो है कान के अंदर डाल सकते हैं। वो गैस गर्म करनी है और एक सूती कपड़ा लीजिए, उसको जो है फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा रखिए और उसको कपड़े को थोड़ा गर्म करिए। कपड़े को गर्म करने के बाद दोस्तों आपको कपड़े को ऐसे पूरे सर के ऊपर से ले जाके ऐसे कान के ऊपर ला के ऐसे करना है, आपको पूरा बांध देना है। इधर क्या होगा दोस्तों, उस कपड़े से जो भी है हीट वगैरह जो कान के अंदर जाएगी,
उसमें किसी प्रकार का कुछ प्रॉब्लम होगा, जैसे वैक्स वगैरह ज़्यादा जम गया है तो वैक्स पिघल जाएगा और वो जो है बॉडी से बाहर आ सकता है। इसके अलावा कुछ कीड़े वगैरह हैं तो वो भी जो है गर्मी से बाहर आ सकता है। कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो वो भी जो है भाप की वजह से जो है आपके इन्फेक्शन जो है ख़त्म करते हैं। तो ये नुस्खा आप ट्राई कर सकती हैं। इसके अलावा आप गर्म तेल, मतलब गुनगुना तेल, एकदम ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुना तेल की जो है कान के इधर आसपास जो है मसाज कर सकते हैं आप। अच्छे तरीके से मसाज कर देंगे तो उससे भी जो है आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपके बच्चा जो है इन सभी नुस्खों से जो है आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको डॉक्टर से एक बार जरूर मिलना चाहिए। डॉक्टर जो है आपके जो है उसमें एक दूरबीन डाल वगैरह डालते हैं तो उससे जो है उसके अंदर लाइट लगी होती है, कैमरा लगा होता है, तो उससे डॉक्टर जो है चेक करते हैं। तो फिर वो जो थोड़ा एडवांस लेवल हो जाता है, अगर घर पे ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप जो है डॉक्टर को जरूर संपर्क करें। तो ये बातें हैं दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।